हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट आफ्टर रीड हजार्ड, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज राइट आफ्टर रीड हजार्ड, एंड अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उस क्वेश्चन में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि इसमें रीड आफ्टर राइट है, राइट आफ्टर रीड है, या फिर राइट आफ्टर राइट है। जो हमने डेटा हजार्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज उनमें से हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट आफ्टर रीड हजार्ड। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर रीड हजार्ड से। लेट्स से हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है I1, और इंस्ट्रक्शन I1 क्या कह रही है, R1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से R2 और R3 को हम मल्टीप्लाई करके, मतलब हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, तो दैट इज बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड कि हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है या इनडायरेक्ट, जो भी हमारे पास है, हम सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं I1, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि R2 रजिस्टर का और R3 रजिस्टर का डेटा हम, जो ऑपरेंड हमें मिलेगा, उस ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, R1 के अंदर सेव कर रहे हैं। उसके बाद I2 इंस्ट्रक्शन है, और वो I2 इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से R2 में हम R4 प्लस R5, I2 इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये I1 और I2 का मतलब क्या है कि पहले I1 इंस्ट्रक्शन है और उसके बाद कौन सी है, I2 इंस्ट्रक्शन। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब R4 प्लस R5 मतलब जो ऑपरेंड हमें यहां पे मिलेगा उनको ऐड करके हम R2 के अंदर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो यहां पे I1 और I2 इंस्ट्रक्शन में राइट आफ्टर रीड हजार्ड कहां पे अकर हो रहा है, राइट आफ्टर रीड हजार्ड का मतलब है कि I1 क्या कह रही है कि वो R2 और R3 के डेटा को रीड करेगी, रीड करने के बाद उस डेटा को मल्टीप्लाई करेगी। ऑब्वियसली इसको रीड करेगी तब जाके मल्टीप्लाई होगा ना, लेकिन अगर ऐसा केस पॉसिबल हो कि I2 पहले क्या कर दे, I2 R4 और R5 का डेटा एड करके R2 के अंदर सेव कर दे, और उसके बाद I1 अगर रीड करे, R2 मतलब जो है I1 के अंदर, वो उसके बाद रीड करेगी, तो ऑब्वियसली गलत वैल्यू रीड होगी। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, लेट्स से R2 के अंदर एट प्रेजेंट है 10, और R3 के अंदर लेट्स से एट प्रेजेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, लेट्स से 20 ऑपरेंड है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी, 200 वैल्यू जो है वो R1 के अंदर सेव होगी, सिंपल। और लेट्स से R4 के अंदर है यहां पे 30, और R5 के अंदर है लेट्स से 40, सिंपल हमने यहां पे वैल्यूज ले ली, कुछ भी ऑपरेंड आप, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो R2 के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 70। तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हम I1 के अंदर क्या कर रहे हैं, R2 के अंदर 10 × 20 200 वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी यहां पे प्रॉब्लम अक्कर होती है, या I1 जो है वो लेट परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ, I2 ने पहले ही डेटा को राइट कर दिया, मतलब जो R2 का डेटा है वो I2 ने पहले राइट कर दिया, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की बजाय वो क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। जो इसने करना है ना राइट, ये इसने पहले राइट कर दिया, तो R2 रजिस्टर में ऑलरेडी डेटा क्या हो गया, 70, होना क्या चाहिए था, 10, और ये इसको 10 को ही रीड करेगी ना, लेकिन इसने क्या किया, इसने पहले ही राइट कर दिया, और इसकी राइट करने की वजह से ये क्या रीड कर रही है, ये गलत वैल्यू रीड कर रही है, 70। तो इसने 70 × 20 क्या दिखा देना है, 1400 आउटपुट दिखा देनी है, विच इज अ रॉन्ग वैल्यू। तो यही एक्चुअल में राइट आफ्टर रीड हजार्ड है। अब मैं अगर आपको नॉर्मल सा पॉइंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे देखो यहां पे अगर हम पाइपलाइनिंग की बात करें, तो पाइपलाइनिंग में हम कहते हैं कि अगर I1 इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, लेट्स से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, और डेटा को हमने फाइनल आउटपुट को राइट बैक किया। मैंने 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन को यहां पर ले रहा हूं, तो 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यहां पर लेते हैं। नेक्स्ट I2 यहां पर आई, और I2 ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट करेगी इसी तरीके से, और आगे जाके क्या करेगी, राइट बैक करेगी। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये राइट कहां पे होगा, I2 का जो राइट होगा ये 70 कहां पे होगा, ये इस पॉइंट पे होगा, राइट बैक के बाद, राइट बैक के बाद इसका डेटा R2 में सेव होगा, लेकिन I2 जो है इस पॉइंट पे राइट कर रही है, R2 की डेटा को कब राइट कर रही है, इस टाइम के बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन I1 कब रीड कर रही है, R2 को कब रीड करेगी, इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, उसके बाद डिकोड कर ली, तो डिकोड करते ही हमने क्या किया, R2 R3 का डेटा हमने रीड कर लिया, तो यानी ये तो पहले ही रीड कर लिए,
ऑब्वियसली हमारी जो नॉर्मल पाइपलाइनिंग हम यूज करते हैं, 5-stage, 4-stage पाइपलाइनिंग, उसमें राइट आफ्टर रीड हजार्ड जनरली अक्कर नहीं होते, उसमें मेनली होते हैं रीड आफ्टर राइट हजार्ड। ये स्पेशल काइंड ऑफ हजार्ड है जो तभी अक्कर होगा या स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम में अक्कर होगा जब राइट पहले हो रहा है रीड बाद में हो रहा है, और जल्दी ऐसा होता नहीं, हम जल्दी पहले रीड कर लेते हैं क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड के बाद क्या हो जाता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, और राइट हम कब करते हैं, राइट बैक लास्ट में करते हैं। तो जैसे अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट के केस में जल्दी क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट के केस में हम राइट ऑपरेशन जो है वो जल्दी पहले परफॉर्म कर देते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं अगर एक सिंपल से एरे लूं और उसमें लेट्स से कोई भी हमारे पास डेटा है सेट है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमने कुछ भी नंबरिंग एड्रेस दे दिए और इसके अंदर लेट्स से कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमारी पड़ी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हमारी पड़ी है, तो हम ऑटो इंक्रीमेंट मोड में क्या करते हैं, हम जीरो एड्रेस जो है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे भी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, एक बार आप वो भी चेक कर सकते हो। तो हम जीरो जो एड्रेस है ना उसको हम रजिस्टर के अंदर डाल देते हैं कि भैया रजिस्टर के अंदर हमने क्या डाल दिया, जीरो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमने फेच करनी है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमने रीड करनी है, वो रीड करने से पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर को राइट कर देते हैं, मतलब रजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब जब भी हमारा राइट ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, यहां पे देखो राइट पहले कर रहे हैं हम, मतलब जो एड्रेस है उसको हम जीरो से वन कर रहे हैं, फिर हम वन में जाके डेटा को इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। ऐसे ही लेट्स से नेक्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा, हम सबसे पहले एड्रेस को चेंज करेंगे, राइट करेंगे, और उसके बाद हम टू लोकेशन में जाके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेंगे। तो जनरली ऐसी जो भी प्रॉब्लम है जहां पे राइट ऑपरेशन पहले परफॉर्मर है रीड के बाद, और अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि कौन सी डिपेंडेंसी है राइट आफ्टर रीड। लेकिन जनरली हमारे पास प्रॉब्लम नक्कर नहीं होती, फोर इंस्ट्रक्शन फाइव में जनरली ये प्रॉब्लम जो नॉर्मल पाइपलाइनिंग है उसमें नहीं होती, उसमें मेनली रीड आफ्टर राइट ही है। लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आप इसको चेक कर सकते हो। रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, जैसा मैंने रीड आफ्टर राइट में भी बताया था, रीड आफ्टर राइट में भी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले आप क्या लिख लो, डोमेन ऑफ I1। डोमेन ऑफ I1 का मतलब है कि I1 कहां कहां से रीड कर रही है, R2 और R3 से रीड कर रही है, तो R2 और R3 क्या हो गए, डोमेन हो गए। डोमेन ऑफ I2 लिख लो, डोमेन ऑफ I2 क्या है, I2 इंस्ट्रक्शन कहां से रीड कर रही है डेटा, कौन से हमारे रजिस्टर है, R4 R5, तो R4 R5 जो भी लोकेशन है, जो भी हमारे सोर्स लोकेशन है वो हमारी डोमेन, उसको आप डोमेन नाम दे दो। और रेंज, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ I1 क्या है, रेंज होता है डेस्टिनेशन, कि कहां पे हम डेटा को फाइनली पुट कर रहे हैं, तो हम R1 में पुट कर रहे हैं तो R1 आ गई। और रेंज ऑफ अगर हम I2 की बात करें तो I2 की रेंज क्या आएगी, R2 में हम डेस्टिनेशन हमारा जो है वो R2 है। अब आपको चेक क्या करना है कि अगर कोई भी आपको 4-5 इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दे दें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ भी जाते हैं, तो आपको चेक करना है कि इसमें राइट आफ्टर रीड है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, डोमेन ऑफ I1 मतलब जो पहली इंस्ट्रक्शन है, जो प्रीवियस है, उसका इंटरसेक्शन करो आप रेंज ऑफ I2 से। रेंज ऑफ I2 का मतलब क्या है, ये देखो R2 जो है वो रेंज है और यहां पे R2 क्या है, डोमेन है, तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में वो सोर्स होना चाहिए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो डेस्टिनेशन होना चाहिए। और अगर ये इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो आप कह सकते हो, ये देखो इस केस में क्या आ रहा है, डोमेन ऑफ I1 कितना है, R2 R3, और रेंज ऑफ I2 कितना है, R2, तो देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, R2 आएगा, which is not equal to 5, तो आप कह सकते हो कि यहां पे कौन सी हजार्ड है, कौन सी डिपेंडेंसी है, राइट आफ्टर रीड हजार्ड। तो इस तरीके से हम जल्दी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द राइट आफ्टर रीड। थैंक यू।